हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। सो अभी आज स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग गाइस। सो आज जा रहे एक एक जगह पे, जो एक भाई मैंने सुना है, मुँह से बोल नहीं पाते और कान से वो उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो स्टैचू बनाते हैं वो जाने के बाद ही पता चलेगा। इतना मैंने देखा है बहुत सारा वीडियो में, तो जाके देखते हैं गाइस। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए गाइस। तो बनते हैं, जाके देखते हैं गाइस। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा भी टैटू बना देगा, आप लोगों का भी बना देगा, स्टैचू मूर्तियाँ। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ, तो दिखाते हैं ब्लॉग में क्या क्या देखने को मिलेगा गाइस। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मंदिर, शिव मंदिर, तो ये मंदिर के पास ही वाला है, ये भाई का घर है, ये भाई, तो भाई का घर यही है पास, मंदिर के पास ही। तो गाइस अभी आया है विश्वजीत के घर में, तो अभी आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं कौन सा सामान से काम करते हैं विश्वजीत भाई, जो काम करते हैं, तो थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। ये घर बना रहे हैं, तो उनका घर है, ये घर है विश्वजीत भाई का घर है। तो इतना इतना अच्छा काम करते हैं आप लोग, सोच के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि कान से सुनाई भी नहीं देता है भाई को और मुंह से बोल नहीं पाते, फिर भी इतना अच्छी तरह से काम करते हैं। तो गाइस दिखाते हैं आप लोगों को। ये भाई ये सब काट काट के जो बना रहे हैं अभी, देखिए भाई के पास इतना मशीन भी नहीं है इतना, लेकिन इतना अच्छी तरह से इसको कटिंग करके करके बनाते हैं भाई। ठीक है गाइस, तो भाई ये भाई विश्वजीत भाई, तो इतना अच्छी तरह से बनाते हैं ये सब, ये स्टैचू बनाया है ब्लॉग और दिखाते दिन बाद ये बन के रेडी हो जाएगा, ये वाला टेस्टू में काट के आपका आप लोगों का अगर ऑर्डर देंगे। हाँ, और ये वाला जो टेस्टू आप लोग दिख रहे हैं, इस टेस्टू को इस मूर्ति में बनाएगा काट के मैदान में। ये विश्वजीत भाई का घर, तो आप लोग जो दिख रहे हैं, तो ये घर। तो गाइज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए विश्वजीत भाई को, थोड़ा इतना मेहनत करके आप टेस्टू मैन है, इतना अच्छे अच्छा टेस्टू बनाते हैं काट से काट काट के, ये घर बना रहे भाई, ये है भाई का घर। मैं ऐसे इटू टेचू बनाबो इटू मूर्ति, तो इटू रेडी हो रही है भाई, तो यार खुजुली की नहीं वस्तु। तो भाई आगत मैंने सुना, पहले में मुझे पता था ये जो है भाई के पास कुछ भी नहीं था हथियार, लेकिन अभी भाई ने किसी ने डोनेट किया है इस वाले हथियार को, और उसके बाद ही भाई ये सर सामान बनाते हैं। भाई के साथ बातचीत किया थोड़ा, तो भाई का बहुत अच्छा काम करते, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई को, थोड़ा हेल्प कीजिए। और ऑर्डर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भाई का जो चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा और हम दे देंगे, तो भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई टैचू चाहिए आप लोगों का जो अगर मूर्ति आप लोग बना सकते बनने के लिए, आप कॉन्टेक्ट करिए भाई के साथ, तो भाई आपको साथ बना दे के देगा। तो गाइस भाई का ये सामान है, तो इस सामान से भाई बनाते हैं टैचू। ये है आप लोग देख सकते हैं हेमंत विश्व शर्मा सर का स्टैचू बनाया है भाई ने काट की मूर्ति से, तो आप लोगों को थोड़ा दिखाया ये वाला स्टैचू है भाई का। हाँ हाँ, और दिखाते हैं भाई ने क्या क्या बनाया है। भाई ये सब कलर है, इससे करते हैं भाई, जरा भाई ने आर्ट किया देख सकते हैं, ये पिताजी का आर्ट किया है खुद का, इतना सुंदर आर्ट किया भाई। एतो अमर डांगोर मामा तो भुंती मेरी कॉम विश्वन डिम्पुदा का डिम्पू भाई भी आया था यहाँ पे, तो उनका भी स्टैचू बनाया था, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊंगा, वो लेके गया भाई ने। भाई का स्टैचू जो ये बनाया है आर्ट बनाया आर्ट किया है, एक तो देवता है। अच्छा, हाँ हाँ, फादर का भाई बनाया है स्टैचू, दीपली नाबा असम के एक्टर, और ये है हिमा दास, एक तो अमर मामा है, एक तो लोगुरिया। अच्छा,
इतना सुंदर से आर्ट किया भाई ने, देखो भाई लोग आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो भाई को। तो गाइज एक बात बोलते हो आप लोगों को, मतलब इतना दुखजनक मतलब जो बात है आप लोगों को थोड़ा बताती हो, इमोशनल एक बात है। मतलब बिछोजी भाई का जो मतलब मम्मी था उनको मतलब जो हाथी है एलिफेंट ने मतलब क्या किया, जो यहाँ पे जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया के सामने है, मतलब बहुत एलिफेंट मतलब बहुत यहाँ पे आते समय समय पे, तो उनके मम्मी को मतलब एलिफेंट ने मतलब हाथी ने मतलब मार दिया था। मतलब घर में आके वो वाला जो घर दिख रहा थी बैक साइड में वो घर टूटा फूटा था, मतलब उसको आके रात में तो उनके मम्मी को मतलब हाथी ने मारा था। तो क्या बोलो, उसके साथ साथ विश्वजीत भाई भी मतलब कुछ बोल नहीं पाते हैं मुँह से, मतलब इतने कान से मतलब जन्म से है, जब वो जन्म लिया तब से ही मतलब वो कान से अच्छी तरह से सुनाई भी नहीं देता है और बात भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इशारों में बात करते भाई। तो सारा सामान जो दिखाया आप लोगों को टैटू बनाते हैं, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ गाइस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, इतना शेयर करो, मतलब सब लोग इंडिया के सारे इंडिया के लोग इतना मेहनत करते, मतलब लोग क्या कुछ नहीं कर पाते सिर्फ हाथ मतलब मुँह से बोलने से, कान से नहीं सुनने से भी भाई मतलब इतना काम करते हैं, मतलब क्या बताओ आप लोगों को। तो प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो को शेयर करो, सब इंडिया के जितने लोग हैं सब लोगों को पता चलना चाहिए भाई जैसे लोग इतना अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो क्या बोलो आप लोगों को, नरेंद्र मोदी का भी चेचू बनाया था मैंने, देखा है। तो सारा सामान क्या बनाना चाहिए आप लोगों को, जो भी बनाना चाहते हैं तो सब कुछ बना के देगा भाई। तो विश्वजीत भाई ये सारा सामान मतलब आप लोगों को जो दिखाया है ये बनाया है इतना मेहनत करके, तो भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, तो बहुत सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को टैटू चाहिए तो भाई को ऑर्डर कीजिए, मिल जाएगा। और भाई को थोड़ा आप लोगों को सब कुछ दिखाया तो भाई को सपोर्ट कीजिए, इंडिया का सारा लोग जानना चाहिए मतलब भाई के बारे में। तो भाई का ये घर तो आप लोगों को दिखाया, और भाई ने एक बाइक भी ख़रीदा कुछ दिन पहले, एक सेकेंड हैंड बाइक लिया, तो उनका भी ड्रीम है। तो भाई ने ये नया घर बना रहा है भाई विश्वजीत भाई, ठीक है। तो गाइज भाई ने मैं भाई के साथ बात किया, तो जो टैचू है वो बनाने में कम से कम 1 वीक के अंदर एक आप लोगों का जो टैचू है वो बना के देगा भाई। और जो टाइम लगता है रात को भाई 12 बजे 1 बजे तक भी काम करते हैं रात भर मतलब, तो एक टैचू बनाने के लिए हेमंत सर का जो CM का जो वो वीडियो बनाया, तो भाई के साथ भी बातचीत किया, तो 1 वीक लग जाता है लगभग, मतलब इसको कटिंग करके मतलब कलरिंग स्लरिंग एवरीथिंग करके, मतलब एक टैचू आप लोगों का एकदम फिनिशिंग 100% कंप्लीट करने में 1 वीक तक लग जाता है अभी। तो भाई ने इतना सारा सामान जो बनाया है, गाइस भाई को सपोर्ट करो, भाई बोल भी नहीं सकते और कान से सुनाई भी नहीं देते, भाई का जो लिंक है YouTube का लिंक है वो आप लोगों को हम दे देंगे और भाई का जो नंबर है वो भी दे देंगे, लेकिन फ़ोन मत कीजिए भाई, मतलब बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, इसलिए तो अगर आप लोगों का कोई ऑर्डर है तो पेमेंट कीजिए, तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए भाई, समझ में आता है कि लेकिन क्योंकि मतलब भाई जो है मैट्रिक पास किया है, तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप में भाई का जो नंबर है वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बने रहिए, तो भाई को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, बार बार आप लोग एक ही बात बोल रहा हूँ, भाई को शेयर कीजिए मतलब फैला दीजिए, सब इंडिया के सारे लोग पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, लेकिन भाई मतलब इतना मतलब बोल भी नहीं सकते सुन भी नहीं, फिर भी मतलब इतना अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है সেইটোৱে আৰু যে কিবা নিজৰ পৰিশ্ৰমে দিয়ে কাম যে কৰি আছে সেইখিনি ধন্যবাদ। আৰু চকু দেখ সকতে ইয়ে ইমান তো কই मतलब ये सब सारा जो काम है सारा मतलब कटिंग करके बनाया है, मतलब इसको सारा एकदम फिनिशिंग देखिए, इसका फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना मतलब ग्राउंड फ्लोर तक मतलब उन्होंने काम किया, इतना अच्छी तरह से कटिंग करके मतलब ये बनाया है। देखिए शर्ट का ये बूतम भी दिया है, ये सारा दिख रहा है जो ये सब मतलब काट से बना हुआ है सारा जो सामान है, ये मूर्ति आप लोग जो भी ऑर्डर करेंगे जी से भी बनाना है सब कुछ बना के दे सकते हैं विश्वजीत भाई,
सब मतलब काट से बना हुआ है, सब फिनिशिंग मतलब इसको भी बनाया है, सब इसको भी बनाया है, सब काट के मतलब कटिंग से बनाया है भाई ने। इस ढोल को भी बनाया काट से, देख सकते हैं आप लोग, फिक्स कर दिया भाई ने, कलरिंग सलरिंग एवरीथिंग भाई करते हैं। और इस मूर्ति में भी मतलब इसको कटिंग कर रहा है भाई अभी, तो इसको भी बनाएगा, ये भी कटिंग चल रहा है इसको भी, ठीक है भाई, ये भी बनाएगा दो दिन बाद, ये भी बनाएगा भाई, सबरा कटिंग कर रहा है अभी। भाई का जो घर का एड्रेस है तो आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग अगर ग्वालपरा से आ रहे हैं तो डूबापरा होके मार्केट को छोड़ के मतलब उससे एक गली निकलेगा वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आप लोग किसनाई से होके आते हैं, किसनाई से हरिमुरा की तरफ रोड की तरफ आइए, हाई रोड से हरिमुरा होके यहाँ पे उदयपुर बोलते हैं इस मतलब गाँव का नाम, तो उदयपुर में भाई का जो घर है यहाँ पे है, तो गाइस सपोर्ट कीजिए भाई को, आप लोग आना चाहते हैं तो आइए भाई को, तो बहुत थोड़ा बहुत 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 सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है भाई को। मतलब क्या बोलूँ, भाई ने मैट्रिक भी मैट्रिक पास किया, उसके बाद मतलब घर में अभी आर्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और क्या है आप लोग मतलब टैचू बनाते हैं, आप लोग बहुत सारा ऑर्डर मिलता है भाई को। अभी बहुत सारा यूट्यूबर डिम्पू भाई भी आया था, और बहुत सारा यूट्यूबर आया था, तो उन लोगों के थ्रू से बहुत लोगों को ऑर्डर मिला, तो ऑर्डर के साथ साथ मतलब क्या है अभी भाई थोड़ा का टैचू का ऑर्डर मिल रहा है। तो पहले तो क्या है भाई का पास कोई सामान नहीं था मतलब बनाने के लिए, हाथ से सब कुछ करता था, लेकिन अभी क्या है भाई के साथ बहुत लोगों ने सामान जो है कटिंग करने के लिए तो उतना सारा मतलब डोनेट किया भाई को, उसके बाद ही मतलब भाई अभी और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अभी, तो भाई को सपोर्ट कीजिए और अच्छी तरह से मतलब टैचू मैन की तरह मतलब वो वर्ल्ड का एक फेमस हो जाए, तो सपोर्ट कीजिए गाइस आप लोग, और वीडियो को फैला दीजिए, सब लोग को पता होना चाहिए मतलब आसाम में एक इंडिया में एक मतलब क्या बोलो आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से मतलब काम करने वाले एक लोग है मतलब एक, तो सपोर्ट कीजिए भाई को।